तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको मैं दो ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप बिल्कुल ही रेड नंबर पे खेलने वाले हो, क्योंकि ये दोनों ट्रिक्स इतनी मज़ेदार और इतनी आसान है कि इसे कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। और अगर आप एक लो एंड डिवाइस वाले बंदे हो तो आपके लिए ये ट्रिक्स बहुत ही काम होने वाली है, क्योंकि हाई एंड डिवाइस वालों के तो वैसे ही हैशॉट लग ही जाते हैं, लेकिन अगर आप लो एंड डिवाइस वाले हो तो आप इन्हें बड़े ही आराम से यूज़ भी कर सकते हो और आपके हेडशॉट एकदम ओपी लेवल के लगेंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ ड्रैग हेडशॉट्स के बारे में बताने वाला हूँ। बन टैप के ऊपर मैं जल्दी वीडियो लेके आ जाऊँगा। और हाँ, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बेस्ट सेंसिटिविटी और परफेक्ट फायर बटन साइज ऐसी फालतू बातें नहीं बताने वाला हूँ। अभी मैं जो आपको दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इन ट्रिक्स को यूज़ करके आप बिल्कुल रेड नंबर पे खेलोगे, तो वीडियो को पूरा देख लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने अपनी सेंसिटिविटीज को पूरा फुल कर लेना, जितनी भी सेंसिटिविटी है हमारे पास, और अपने फायर बटन का साइज रखना है 40 से लेके 50 के बीच। इतना सब कुछ करने के बाद आपको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में। पहले आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप इसे अपने गेम प्ले के साथ ऐड कर सकते हो। तो पहले ट्रिक के बारे में आप समझ लो कि करना क्या होता है इस ट्रिक में, और उसके बाद आप इसे यूज कर लेना। तो फर्स्ट ट्रिक का नाम मैंने अपने आप ही रख दिया है, मतलब खुद से रख दिया है, सेटअप ड्रैग हेडशॉट। आप इसे किसी और नाम से भी पुकार सकते हो, पर मैं इसे इसी नाम से पुकारूंगा। तो इस ट्रिक में बेसिकली होता क्या है वो समझ लो। जैसे ही आपका एनिमी आपको दिख जाए, उसके सामने जाके बिल्कुल बैठ जाना है, और बैठने के बाद आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ड्रैग कर देना है। और ध्यान रखना कि जब आप ड्रैग करोगे तब आपने अपनी जॉयस्टिक को टच नहीं करना है, और 5-6 गोलियाँ फायर करनी है, इससे ज़्यादा गोलियाँ फायर नहीं करनी है, वरना आपकी गन रिकॉइल कर जाएगी और आपके हेडशॉट्स नहीं लगेंगे। और 2-3 गोलियां या 4-5 गोलियां फायर करने के बाद वहां से भाग जाना है। अगर आप वहां से नहीं भागोगे तो आपको हेडशॉट उससे भी जल्दी लग जाएगा। इस क्लिप को आप ध्यान से देखो कि इस क्लिप में मैं कर क्या रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सीधा आ रहा हूं, बैठ जा रहा हूं, 2-3 गोलियां फायर करके वहां से गन स्विच करके भाग जा रहा हूं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, और आपके रेड नंबर लगेंगे, लिख के ले लो। अगर आपके पास कोई भी ऑटो गन है, या तो ARMO वाली है या SMG MO वाली है, अगर आपका एनिमी बिल्कुल स्टिल खड़ा है तो आप उसके सामने जाके बैठ जाओ। जैसे ही आप उसके ऊपर ड्रैग करोगे तो भाई पहली गोली ही उसके माथे पे जाके लग जाएगी और उसका माथा फूट जाएगा। और अगर आपके पास AK या ग्रोजा जैसी गन होगी तो बंदा एक ही गोली में खत्म हो जाएगा। अगर आप एक SMG यूजर हो तो 2-3 गोलियां एक्स्ट्रा लगेंगी और कुछ नहीं होगा। पर ध्यान रखना कि ये प्रोसेस इतना जल्दी होना चाहिए कि एनिमी को आपके ऊपर फायर करने का मौका ही ना मिले। अगर आप एक लो एंड डिवाइस वाले बंदे हो तो भाई इस ट्रिक का यूज करो, क्योंकि भाई लो एंड डिवाइस ले लो या हाई एंड डिवाइस ले लो, अपडेट के बाद ड्रैग हेडशॉट अगर आप खड़े खड़े मारोगे तो भाई एनिमी को नहीं लगेगा। तो बैठ के मारो भाई, बड़े ही आराम से लग रहा है, आप क्लिप में देख सकते हो। तो देख क्या रहे हो, ट्रिक का यूज करो। पर एक सेकेंड, उससे पहले सेकेंड ट्रिक के बारे में जान लो। तो मैंने सेकेंड ट्रिक का यहाँ पे नाम रखा है स्कोप इन आउट ड्रैग हेडशॉट। तो आप इसे किसी और नाम से भी पुकार सकते हो। तो इस ट्रिक में बेसिकली करना क्या होता है वो समझ। तो इस ट्रिक में आपने करना क्या, जैसे ही आपको आपका एनिमी दिख जाए उसके ऊपर स्कोप लगाना है और आउट कर देना है, मतलब कि स्कोप इन करना है, आउट करना है, और एकदम से ऊपर को ड्रैग खींच देना है। जोर से खींचना पड़ेगा, आराम से काम नहीं चलेगा। जैसे ही आप ड्रैग खींच दोगे बंदे के सिर पे पहली गोली जाके उसके सिर पे लगेगी। भाई ये दो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है भाई बिल्कुल ही आसान ट्रिक है, और ये दोनों लो एंड डिवाइस और हाई एंड डिवाइस दोनों पे वर्क करती हैं। तो भाई ऐसी वीडियोज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो इस ट्रिक का यूज कैसे करना है डिटेल में समझ लो। क्या करना है, सबसे पहले आपको स्कोप लगाना है आपके एनिमी पे। पर ध्यान रखना कि ये प्रोसेस इतना फास्ट होना चाहिए कि एनिमी को आपके ऊपर गोली चलाने का मौका ना मिले। मतलब कि अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करके इसका यूज़ करोगे तो भाई आपको उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस इसे यूज़ करोगे तो भाई साहब आग लगा दोगे, आग लगा दोगे। सबसे पहले आपको आपके एनिमी पे स्कोप इन करना है, उसके बाद आउट कर देना है, और सीधा आपको ड्रैग खींच देना है। भाई बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें, सीधा ड्रैग खींच दो, हेडशॉट लग जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे ही अपनी वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप करना चाहते हो तो, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। तो बाय बाय गाइज, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।